কলকাতা জনকণ্ঠ গ্রাম ও শহরের মেলবন্ধ। আপনি কি সুচিকিৎসার কথা ভাবছেন? আজই চলে আসুন শীষ জেনারেল অ্যান্ড আই কেয়ার হসপিটাল, 40 বছর মানুষের সেবায় নিয়োজিত সুচিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। কলকাতার অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়। কাঁঠালিয়া, ভাঙড়, কাশীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। যোগাযোগ 7407337744 7407441234। গ্লোবাল বিউটি কুইনদের স্বাগত জানালো কলকাতা। আলিপুর মর্ফি হোটেলে 22 এপ্রিল 2023 দুই বিউটি কুইনদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা শহরের এমন দুই সাধারণ গৃহিণীদের স্বাগত ও সম্মান জানানোর জন্য যারা নিজেদের গ্লোবাল বিউটি কনটেস্টের বিজয়ীদের মধ্যে পরিণত করেছেন, এমনকি 2023 সালে নারীরা তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এবং স্বীকৃতির অধীনে থাকে বলেই মনে হয়। অধিকাংশ গৃহিণীদের সম্বন্ধে কথা বলে জানা যায় তারা তাদের সমগ্র সংসার জীবনে কোনো স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেননি, অতএব তাদের রোজের দিনলিপিতে এমন ঘটনা সচরাচর হয় না বললেই চলে। সেই ধরনের দুঃসাহসী নারীদের অভিবাদন জানাবার সাক্ষী হয়ে থাকল এদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা। और कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश वगैरह? हाँ, अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, उनके अंदर किसी चीज़ का पैशन है, तो प्लीज कभी भी ये ना सोचें कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं नहीं आगे बढ़ सकती। एक एज होने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, बट मैं उस चीज़ का प्रूफ हूँ कि एक टाइम बाद मैंने नहीं सोचा था कि कभी मुझे ब्यूटी प्रेजेंट में पार्ट लेने का मिलेगा और बेस्ट रैंक का अवार्ड मिलेगा। लेकिन आज मेरे मैं एक होम मेकर हूँ, मेरी छोटी बेटी है, उसके साथ साथ मैंने अपने सपनों को भी साथ दिया, अपने सपनों को भी आगे बढ़ाया। तो जिन किसी के भी मन में अपने सपने को पूरा करने की चाह है, कभी भी उस चीज को ना सोचे कि अपने सपने पूरे नहीं हो सकते। बस अपना हाथ बढ़ाइए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते जाइए। मुश्किलें आएंगी, बट कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिनमें मुश्किलें ना हो। और मुश्किलों को पार करके जो खुशी मिलती है और जो जीत हासिल होती है, उसकी खुशी अलग है। सबके लिए, सब महिलाओं के लिए। देखिए, पंख, मैंने कहा पंख सबके पास होते हैं, बस उनमें हौसलों की उड़ान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो वो आप अपने आत्मविश्वास के द्वारा उसे ज़रूर पा सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, है जग में इतने जुल्म नहीं जितना सहने की ताकत है, तानों के इस शोर में भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, याद रखिएगा ये बात, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये हमारे महान कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी है, पर हमें अपने सबके जीवन में उतार कर और इसका उदाहरण आज ये ट्रॉफी और ये क्राउन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे ही अपना कर मैंने ये जीता है और सफलता हासिल की है और आज आप सबके सामने हूँ। तो अपने आप को कभी कम मत समझिए, बस एक कदम, एक आत्म विश्वास भरा कदम बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मेरा नाम रीटा मूलचंदानी है, मैं SCI ईस्टर्न जोन की, मैं कल्चरल सेक्रेटरी हूँ और आज हमने ये तंबोला मीट ऑर्गेनाइज किया है। और मेन एक्चुअली मोटिव था कि हमारे दिलेर सिंधी के जो विनर्स हैं, जो यहाँ से पार्टिसिपेट करके बॉम्बे गए थे, तो उन्होंने हमारे ईस्टर्न जोन को रिप्रेजेंट किया। और एक है हमारी टाइटल विनर, सेकंड रनर अप दिलेर सिंधी, और दूसरी है सब टाइटल विनर द बेस्ट वो। तो मेन आज उनका मोटिव है कि आज उनको यहाँ पे सर फेलिसिटेट किया जाएगा हमारे काउंसिल की तरफ से। और सेकेंडली हम लोगों ने कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट रखा है, तंबोला मीट एंड सम अदर मोर एंटरटेनमेंट्स विद हिम, और ये प्रोग्राम हो रहा है जो गैर मौलवी। और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर महेश कुमार मलकानी इज दी हेड और वो इस मॉर्फी होटल के भी मालिक हैं, तो वो उनकी तरफ से हमें पूरा कोऑपरेशन मिलता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम मेनली चैरिटेबल प्रोग्राम्स ही करते हैं। दिस इज अ एब्सोल्युटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग माय सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। এটা 1996 এস্টাবলিশ হয়েছিল, আমি তার ফাউন্ডার মেম্বার। তো 1996 ফাউন্ডার মেম্বার হয়ে 2017 আমি এই অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছি। এই অর্গানাইজেশনটা মেনলি ফর্ম করা হয়েছে
আমরা সিন্ধিরা স্ক্যাটার হয়ে গেছি হোল স্টেটে, আমাদের তো কোনো স্টেট নাই। তো এটা বলছি পলিটিক্যাল গেইন অফ সিন্ধি, যেটা একটা ফর্ম হলো। তারপরে যখন আমি প্রেসিডেন্ট হলাম 2017, তখন আমি দেখলাম যে শুধু পলিটিক্যাল গেইন করলে তো হবে না, অনেক গরিব আছে, এই আছে, ওই আছে, তারা ওই পয়সার জন্য কেউ খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, কেউ মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সব ধর্ম সমান আছে, ভালো আছে, কিন্তু পয়সার জন্যে বা কমজোর লোক বিকাশ সেকশন কেন ধর্ম চেঞ্জ করবে, এরকম ধর্ম চেঞ্জ করার ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে। কিন্তু যেমন আমরা এটা আমাদের এটা ফান্ড রেজ করলাম, ইয়ে করলাম, আমরা এটা ভালো ফান্ড করলাম, আর এমনি আমাদের সোসাইটিতে লিখলি ওদের মেডিকেল, ওদের এডুকেশন বা যা কিছু ওদের নিয়ে আছে, বেসিক এমনি যা আছে, আমরা মোটামুটি 5% লোক আমাদের কমিউনিটি এরকম আছে, তাদের আমরা এই অর্গানাইজেশন শুরুতে ক্যামেরায় কাজী হাফিজুল এবং সঙ্গে প্রিয়া চ্যাটার্জি, রিপোর্ট নিউজ কলকাতা।